आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। नतीजा क्या निकलेगा, पर भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि दो राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब यही कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों सुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9-9.5 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे बुखार होकर बोले कि हम जीत रहे, भूपेश पर भरोसा लोगों का कम हो गया और सबसे बड़ी बात, गृहमंत्री ने आप पर भरोसा जताया था, आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास समानता लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर, आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से, जो बिल्कुल बैकफुट पे थे अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसीज थी, किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया, मैं भी मेहनत किया, मेरी पूरी हम सब ने किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया, मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है और मोदी जी की बात पे। और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या आपको लगता है कि जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था लगातार एक के बाद एक करप्शन की जो चीजें सामने निकल करके आ रही थी, उसने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बड़ा मुद्दा था भूपेश बघेल के करप्शन और लगातार वो शराब की घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, महादेव ऐप का मामला हो, पीएससी में भर्ती में युवकों के साथ छल किया गया वो घोटाला हो, महिलाओं के साथ जो उस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया वो बात है, इन बातों को लेकर लोग भूपेश के चेहरा को बदलना चाहते थे। एक बात ये सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है शहरों में अच्छा करेगी लेकिन गांव में, क्योंकि किसानों तक उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच पाई है? पूरी महिलाओं ने और युवकों ने जम के वोट दिया और किसानों ने भी समर्थन। सर, आप 9 मंत्री पीछे हैं, अगर मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको भी जवाबदारी देगी। हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, जब जैसी जो जवाबदारी दी गई उसका पालन किया, आगे जैसे पार्टी का निर्देश होगा और जिसको भी जवाबदारी दी जाएगी सब मिलके उसको छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने का काम। आप चौथी बार ये जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हैं? मैं कहता हूं ना, पार्टी मुझे हमेशा, मैंने कभी मांगा नहीं है, पार्टी जब जब जो जो जवाबदारी दी है उसका क्रियान्वयन मैं करता रहा हूं, आगे क्या जवाबदारी देगी पार्टी के नेता तय करें। ये 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं, ये पूरी सरकार पीछे चल रही है, जब मुख्यमंत्री 2 राउंड में पीछे हो गया इसका मतलब ये बता दिया कि जनमत उनके खिलाफ। दावे कर रहे थे, कई तरह के दावे थे, 75 पार तो आपने अभी भी कहा है, 75 की बात कर रहे थे और मैं कल भी आपको कहा था, मैंने आंकड़े भी बताए थे कि कांग्रेस कहां तक जाएगी और वो 40 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी।